ఇంకా బస్ కొంచెం వెనకండి. మాస్క్ కదా ఒకసారి కింద నుంచి వస్తుంది కదా నా ఎందుకు తగ్గించు. फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट के पूरे देश के प्रतिनिधि आपके तेलंगाना समर्थन के वास्ते यहाँ पर आए हैं. मैं एक एक को नाम लेकर बोलूंगा तो उनका भी धन्यवाद हम लोग करना चाहेंगे. बोडोलैंड से है एस के बासो मतारी एमपी, फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट के चेयरमैन है. गोरखालैंड से है दावा पाटवी, ये सुभाष किशन के साथ वहाँ जो अटोनो काउंसिल थी उसमें मंत्री थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से गोरखालैंड में अपना कार्य किया. पूर्वांचल से हैं प्रोफेसर केसरी सिंह बुंदेल, ऊपर आइए ऊपर, ये बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पूर्वांचल के लिए काम करते हैं और 24 घंटे समाज सेवा और अलग राज्यों के लिए समर्पित हैं. हरित प्रदेश से है मास्टर रामवीर सिंह, ये किसानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और किसानों के लिए पूरा कार्य करते हैं और हरित प्रदेश के लिए तत्पर है. शिवोम ब्रज प्रदेश, ये युवा रेलवे में जो थर्ड क्लास के डिब्बे नहीं लगते उनके लिए समर्पित है और चाहते हैं कि रेलवे में थर्ड क्लास के डिब्बे 40% के लगभग लगाए जाएं, इससे जनता को बहुत गरीब आदमियों को लाभ होगा और ब्रज प्रदेश के लिए हमारे संगठन के लिए युवाओं में कार्य करते हैं. दिल्ली प्रदेश निरंजन सिंह, दिल्ली एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया बन गया, उसमें एक एनसीआर बनाया गया बोर्ड, एनसीआर बोर्ड, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली को विकास तभी मिलेगा जब एनसीआर बोर्ड पूरा एरिया को दिल्ली एक प्रदेश बना दिया जाए और दिल्ली का पूर्ण विकास तभी हो पाएगा. ये पूरा वहाँ जो देहात है, दिल्ली में 360 गाँव हैं, उन 360 गाँव का प्रतिनिधित्व चौधरी निरंजन सिंह करते हैं और हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे. तेलंगाना को कभी कोई भी जरूरत होगी तो दिल्ली देहात गांव 360 गांव अगर आप आंदोलन करेंगे तो आप समर्पित रहेंगे. जम्मू कश्मीर से भीम सिंह, इनका नाम श्री भीम सिंह है और जम्मू अगर श्रीनगर कोई जगह है आपका सिर है जो टिका हुआ है उसकी लड़ाई हमेशा से लड़ते रहते हैं और फेडरेशन के एक मैं कुशल सिंह जी, इनको वहां पर शेर भीम सिंह कहा जाता है. ये शेर की तरह वहां पर पार्लियामेंट में एमएलसी हैं और इनके 4 एमएलए भी वहां पर हैं और तेलंगाना के लिए हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं और आप ये समर्थन जुटाते हैं. डॉक्टर पंकज गुजरात भील प्रदेश, डॉक्टर पंकज भील प्रदेश भीलों के लिए यानी आदिवासियों के लिए कार्य करते हैं और इनकी ये खुद MBBS डॉक्टर हैं, इनकी वाइफ भी MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन इनको समाज सेवा का एक शौक है और अपने पैसे से हमेशा कहीं भी जाने आने के लिए तैयार रहते हैं और बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं फेडरेशन के. शेरे विदर्भ जमंतराव धोटे जी, शेरे विदर्भ है
और इनका सानी मुझे नहीं लगता कि कोई है, और आज भी आपके बीच में वो है। और मैं कहता हूं कि तेलंगाना उन्हीं के हाथ तेलंगाना आएगा, उन्हीं के कर्मचारियों से हम लोग उनके सेवक हैं। वो आगे, मैं तो हमेशा कहता हूं तुम आगे चलो, और मैं ये कहता हूं हम आगे चलेंगे, आप हमेशा हमें धक्का दो, तो इनके धक्के से तेलंगाना जरूर आएगा, मेरी इसमें पूरी आस्था है। किशोर सिंह वैश ये विदर्भ से है, कभी मुझे पूछने की जरूरत होती है तो किशोर सिंह वैश ये विदर्भ से है, तो घना जाति भी चाहिए, भामा शाह भी चाहिए, तो ये मेरे भामा शाह है, कहीं भी जरूरत होती है तो पैसा जरूर दे देते हैं और विदर्भ के लिए हमेशा तैयार है। दीपक नीलेवाल ये भी समाज के कार्य में हमेशा से तत्पर रहते हैं, सोनांचल से है शेरे हरिराम कैरो, हरिराम कैरो आदिवासी एरिया में सोनांचल में और वहां का सारे एरिया तीर धनुष के साथ लाखों लाख लोग इनके साथ हमेशा से तैयार रहते हैं। जब आप जरूरत हो तो दिल्ली में भी लाखों लोग तीर धनुष लेकर के आप तेलंगाना के लिए तत्पर रहेंगे। स्वामी जी हैं, स्वामी जी ये भी सोनांचल से हैं, किसी का हाथ देखना हो तो मुझे दिशा निर्देश देना हो तो स्वामी जी का साथ में ले लेता हूं। तो इन्हीं सब लोगों के साथ हमारे यहाँ नसीम जी हैं, जो एक पत्रकार और हमारी बात को दिल्ली में या इधर उधर सब जगह नसरीन जी वॉइस ऑफ रीजन लाखों की आवाज। आइए आपकी आवाज लाखों की आवाज, आज कुछ कम है लेकिन हम लोग नसरीन को इसीलिए यहाँ पर लाए हैं कि आप एक की आवाज लाखों की आवाज बनकर के दिल्ली में गूंजेगी। जय Thank you.